हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेवल फूड्स नापलो दुनिया पर। आज हम दोस्तों केदारनाथ यात्रा ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए अभी मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है, सिर्फ अपना ये जो बैग बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था उसको निकाला है। अभी कोई भी पैकिंग नहीं की है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी नज़दीकी CSC में और जाके अपना कोविड-19 का टेस्ट कराऊंगा। और उसके बाद अगर मुझे निगेटिव होने की खुशखबरी मिलती है तो दोस्तों मैं आगे की तैयारी करूंगा। हेलो दोस्तों, हम टेस्ट कराने के लिए कानपुर के CSC नवाबगंज में आ गए हैं। केदारनाथ यात्रा का ये पहला स्टेप है। अगर हम कोरोना रिपोर्ट में निगेटिव आते हैं तो ही हम इस यात्रा को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आई होप कि हम लोग की रिपोर्ट निगेटिव आएगी और हम आपको केदारनाथ के वीडियो दिखा पाएंगे आगे। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हमारी रिपोर्ट निगेटिव आई है। आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये रिपोर्ट निगेटिव की, मतलब कि अब हम केदारनाथ जा सकते हैं। तो अब हम इसका अगले स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, पीछे कंप्यूटर देख रहे हैं, हम जा रहे हैं इसका रजिस्ट्रेशन करने। फिर इसके साथ ही हम चारधाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है वो करेंगे और कल हमारी बस है तो फिर इसके बाद पैकिंग भी हमको करनी है। तो चलिए दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा उत्तराखंड की वेबसाइट smartcitydehradun.uk.gov.in पर। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। और इसमें प्रवासी और अन्य पंजीकरण में आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये नया विंडो खुल जाएगा जो आपको रीडायरेक्ट करता है इस फॉर्म पर। यहाँ पर ये बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आपको मांग रहा है। पहला है रिक्वेस्ट टाइप, तो यहाँ आ रहा है क्यों कमिंग टू उत्तराखंड। मोड ऑफ ट्रेवल क्या होगा, टू व्हीलर या लाइट मोटर व्हीकल, गुड्स वगैरह यहाँ आप अपना भर देंगे। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, हम टूरिस्ट हैं जैसे। फिर इसमें तीन ऑप्शन दे रहा है कि आप RT-PCR टेस्ट ले निगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, यही ऐसे ही सब भरने हैं। आप किस डेट को ट्रेवल करना चाहते हैं, तो दोस्तों जैसे RT-PCR टेस्ट के लिए बोल रहा है, लेकिन जो जानकारी हुई है कि एंटीजन रिपोर्ट्स को भी मान किया जा रहा है, और जैसे कि मैंने भी एंटीजन रिपोर्ट कराई है। इसके बाद दोस्तों अगर आप उत्तराखंड जो जाने के लिए चारधाम यात्रा के लिए जो ई पास की ज़रूरत होती है, जो बायोमेट्रिक उत्तराखंड जाके कराना पड़ता है, उसके भी आप घर बैठे कर सकते हैं। या बद्रीनाथ-केदारनाथ.gov.in पर जाकर आप यहाँ अप्लाई ई पास के ऑप्शन में जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बायोमेट्रिक आप वहाँ जाकर कराएंगे, कई वहाँ पर बायोमेट्रिक पॉइंट है जहाँ पर आपको कराना पड़ता है चारधाम यात्रा के लिए, तो वो आप घर बैठे भी करा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस समय हम शताब्दी के टर्मिनल पर और इसी बस से हम जा रहे हैं उत्तराखंड। और बस से इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि कोई भी ट्रेन कानपुर से डायरेक्ट इस समय कोरोना की वजह से बंद चल रही है। तो दोस्तों इस बस में सीट बुक करी है जिसका किराया 1470 रुपये है और AC स्लीपर बस है ये। ये हमें कल सुबह 6 बजे हरिद्वार उतारेगी। देखिए बस अंदर से ऐसी है और ये हमारी सीट है। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए अपनी केदारनाथ ट्रिप पर। और अगर आप हमारे आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और दोस्तों जैसे ही हम हरिद्वार पहुंचेंगे उसके आगे के वीडियोस आपको दर्शन के बाद प्राप्त होंगे। थैंक यू।